हाथ लगे। गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। माई सेल्फ भारती संतोखी एंड गोल्ड डायरेक्टर इन वेस्टिज। आज मैं आपको पूछ रही हूँ सर, कोरोना चल रहा है और आपकी इनकम आए कि नहीं आए, लेकिन खर्च बंद हुआ है सर? नहीं हुआ। नहीं, खर्च लगातार जारी है, मतलब कि आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से उठकर आप साबुन, तेल, चाय पत्ती, ब्रश, शैम्पू, यानी कि घर की साफ सफाई की, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो वो लगातार जारी है, और आप जो भी खर्च कर रहे हो उनमें से क्या आपका एक भी पैसा वापस आया है? नहीं आया। नहीं आया, मतलब आपकी, आपके खर्च से कुछ भी बचत नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ वो कॉन्सेप्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप अपने ही खर्च से बचत ले सकते हो और अपने ही खर्च से आप इनकम खड़ी कर सकते हो, इनकम ले सकते हो। तो वो कैसे है, आप अभी जो मैंने खर्च की बात की, वो मंथली खर्च आपका कितना होगा सर? 5,000 से 10,000 तो हो ही जाता है। हो ही जाता है, तो मतलब यहाँ मैं, आपने 10,000 बोला, मैंने 10,000 की बबात नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं आपको 3,000 की बात करती हूँ कि आपका मंथली खर्च 3,000 का है, यानी कि एक महीने का खर्च 3,000 रुपीज है, तो 12 महीने का खर्च कितना होगा सर? 36,000। और ये 36,000 रुपीज आप कहाँ खर्च करते हो? मार्केट में। मार्केट में, तो मार्केट से आपको एक भी रुपीज वापस मिला है? कभी नहीं, नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट समझाऊंगी कि मार्केट में हम सब क्या है, कस्टमर है, और कोई ना कोई कंपनी हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर आपको एक साबुन चाहिए तो क्या आप कंपनी में लेने जाओगे? नहीं, नहीं। तो आप कहाँ जाओगे? नजदीकी दुकान पे, यानी कि रिटेलर शॉप पे। रिटेलर भी खुद बनाता नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? होलसेलर के पास, होलसेलर डीलर के पास, डीलर स्टोकिस के पास, स्टोकिस नेशनल स्टोकिस के पास, और वो जाता है C&F एजेंट के पास, और अंत में वहां से कंपनी के वस्तु आती है। तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो हमारे घर आते आते 6 से 7 लोगों के पास होके आती है, यानी कि कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स बनती है, जैसी बनती है वैसी ही हमारे घर आती है। यानी कि फर्क किस में होता है? ओनली प्राइस में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? कि ये जो बीच वाले लोग हैं वो हमारी सेवा करने के लिए नहीं बैठे, वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और मुनाफा भी ऐड करते हैं। अंत में वो देता कौन है? कस्टमर। यानी कि इतना बड़ा खर्च तो होता ही है, साथों साथ एक बड़ा खर्च है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है और मार्केट में लॉन्च करती है, वो हमें पता कैसे चलता है? जाहिरात से। जाहिरात से, यानी कि कोई भी, और जाहिरात करने के लिए हमें, मुझे और आपको बुलाते हैं? नहीं, जाहिरात करने के लिए वो कई बड़ी हीरोइन या क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, जिसकी फेस वैल्यू है, सेलिब्रिटी व्यक्ति को। तो वो 2 लाइन बोलती है और साबुन दिखाती है कि ये है मेरी सौंदर्य का राज। यानी कि वो इतनी बड़ी हीरोइन 20 रुपए के साबुन से नाती होगी? अभी नहीं, नहीं। लेकिन 2 लाइन बोलने का कंपनी उसको करोड़ों रुपीज देती है, और वो करोड़ों रुपीज लगते कहाँ पे है? प्रोडक्ट्स की MRP पर, और MRP टू MRP देता कौन है? लास्ट में कस्टमर, यानी कि मेरे और आपके जैसे कस्टमर ये करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कहता है कि कोई भी थर्ड क्लास प्रोडक्ट हो तो वो 10 रुपीज में रेडी हो जाती है, और इंटरनेशनल क्वालिटी की अगर प्रोडक्ट हो तो वो 40 रुपीज में कंपनी के मुनाफा के साथ रेडी हो जाती है, और हमारे घर आते आते वो 100 रुपीज की हो जाती है। यानी कि 40 में रेडी होती है और 100 में हमारे घर आती है, तो बीच वाले मार्केट में हमारे कितने रुपीज जाते हैं सर? 60% हमारे बीच वाले मार्केट में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, जो बरसों से चलता हुआ मार्केट है। तो ये 60% अमाउंट आपको आज पता चला है। जो मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके घर पानी की बोतल आती है फिल्टर वाली, कितने लीटर की आती है सर? 20 लीटर की आती है। 20 लीटर का आप कितने रुपीज देते हो? 20 रुपीज। 20 लीटर का 20 रुपीज देते हो, और वही 1 लीटर की बोतल आपको अगर बाजार से लेनी है तो वहां भी कितने देते हो? 20 रुपीज। यानी कि बाजार में 1 लीटर का 20 रुपीज और यहाँ पे 20 लीटर का 20 रुपीज, पानी में कोई फर्क है सर? नहीं। लेकिन वो जो बाजार वाली बोतल है वो 1 लीटर की 7-8 जगह से पास होके आती है, इसलिए उसका रेट बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये 60% अमाउंट मार्केट में ऐसे चले जाते हैं हमारे, तो आप इसको चले जाने देंगे कि बचाना चाहेंगे? बचाना चाहेंगे। तो आपको ये 60% बचाने के लिए मैं आज जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम है वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग मार्केट।
तो ये वेस्टिज जो कि अभी इंडिया में नंबर वन है और साथों साथ दूसरे 10 देशों में काम कर रही है। तो वेस्टिज ने क्या किया, कुछ भी नया नहीं किया, दो ही चीजों को महत्वपूर्ण किया है, कंपनी और कस्टमर। कंपनी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है और इसको कोई भी मार्केट की जरूरत नहीं है। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट्स पहुंचा देती है। तो ये जो 60% अमाउंट मार्केट में चले जाते थे वो कंपनी के पास सेविंग हो जाते हैं। कंपनी को किस में इंटरेस्ट है, ओनली 40% में कंपनी को इंटरेस्ट है। ये जो 60% अमाउंट जो कंपनी के पास सेविंग हो जाते हैं, तो ये 60% अमाउंट कंपनी मेरे और आपके जैसे कस्टमर को वापस देती है। तो इसके ये 60% अमाउंट बचाने के लिए हमें लेने के लिए हमें क्या करना है, तो ओनली केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जो भी फोटा वाला आईडी प्रूफ यानी कि चुटनी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी फोटा वाला आप यहाँ पे देते हो और आप रजिस्टर कस्टमर बन जाते हो। यहाँ पे आप क्या थे, ओनली कस्टमर थे, यहाँ पे आपको रजिस्टर कस्टमर बनना है। और आप एक जगह पे रजिस्टर कस्टमर हो, आपको याद है सर? नहीं। तो आप जो गैस की बोतल लेते हो वहां पे आप रजिस्टर कस्टमर हो, जहां पे आप अपनी ही बुक में आप गैस की बोतल लिखवाते हो तो आपको सब्सिडी मिलती है कि नहीं सर? मिलती है। तो वहां पे आप सब्सिडी के लिए आप सोचते हो, तो यहाँ पे आपके 60% अमाउंट चले जाते हैं, उसके लिए आप नहीं सोचते हो। तो ओनली आपको यहाँ पे रजिस्टर कस्टमर बनना है और ये 60% अमाउंट वापस लेनी है। तो रजिस्टर कस्टमर बनने के लिए कंपनी एक भी रुपया नहीं लेती है, यानी कि ज्वाइनिंग है वो फ्री है। तो यहाँ पे आपको एक भी रुपया जाता नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री है, तो यहाँ पे दिमाग भी लगाना नहीं है। साथों साथ आपको एक और फायदा मिल रहा है कि ग्लोबल आईडी मिल रहा है। ग्लोबल मतलब वैश्विक, कंपनी इंडिया में तो काम कर रही है, साथों साथ दूसरे 10 देशों में काम कर रही है। वहां भी अगर आप बिजनेस करना चाहो तो उस 10 देशों में बिजनेस कर सकते हो। वो 8 नंबर का आईडी नंबर मिल रहा है, जहां भी वेस्टिज की शॉप हो वहां से आप परचेस कर सकते हो और आपको जीएसटी वाला साथों साथ पक्का बिल भी मिल रहा है। तो वेस्टिज आपको क्या फायदा देती है, सबसे पहला फायदा देती है 10-20% एमआरपी पर डिस्काउंट देती है। मान लो कि आप बाजार से 1000 रुपीज का सामान लेते थे तो कितना रुपीज वहां पे देते थे, 1000 पूरा देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वेस्टिज 10-20% एमआरपी पर डिस्काउंट देती है। मैं 15% गिनू तो भी 850 रुपीज आपको देना है। दूसरा फायदा देती है 10% साथों साथ प्रोडक्ट फ्री मिल रही है। 1000 रुपीज आपने बोला है तो 1000 का 10% कितना हुआ सर, 100 रुपीज। टोटल सामान कितना हुआ, 1100 का सामान हुआ। तो आपने 1100 का सामान लिया और पैसा कितना दिया, 850 रुपीज। ऐसा कभी हुआ है सर आप बाजार में 1100 का सामान लिया और 850 दिया हो? कभी नहीं। तो आप यहाँ पे दुकान बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? बदल सकते हो। तीसरा बेनिफिट दे रही है 5-11% आपको कैशबैक मिल रही है। तो कैशबैक कैसे देती है वेस्टिज की कंपनी प्रोडक्ट्स पे पीवी रखा है, पॉइंट वैल्यू रखा है, क्योंकि सारे देशों में करेंसी अलग अलग होता है। तो 30 रुपीज की आप शॉपिंग करते हो तो 1 पॉइंट वैल्यू आपको जमा होता है। तो 1 पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम है। तो वो कैसे होता है, 1-599 तक आपका पीवी होता है तो आपको 5% के हिसाब से कैशबैक मिलता है। जैसे ही आपका पॉइंट 600 हो जाते हैं, 2399 तक आपको 8% कैशबैक मिलता है और आपकी खरीदारी बढ़ती है और 2400 से 5499 तक आपको 10% कैशबैक मिलता है। और जब भी आपका 5500 प्लस हो जाता है तो आपको लाइफ टाइम 11% कैशबैक मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिन बर दिन कैशबैक है वो बढ़ता चला जा रहा है, 5%, 8%, 10% और 11%, यानी कि कैशबैक बढ़ता जा रहा है। तो प्रोडक्ट कैसी होगी सर, सस्ती होगी। तो मैं आपको ये एक दिन में नहीं करना है, एग्जांपल द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि मान लो आपने सबसे पहले 100 पीवी की खरीदारी की, 100 पीवी यानी कि 1-599 में 100 पीवी आएगा, तो 100 पीवी यानी कि 30 रुपीज का 1 पीवी, तो 100 पीवी का अंदाज में बिल होगा आपको 3,3200 का बिल होगा।
तो 100 PV ये 599 के बीच में आएगा, तो कितना कैशबैक मिलेगा सर आपको? 5% के हिसाब से आपको कैशबैक मिलेगा। अभी आप नए थे प्रोडक्ट यूज की, और यूज करने के बाद हमारी आदत होती है, कोई भी हम नई बाजार से कोई भी चीज लाते हैं और हम एक अच्छा मोबाइल लाते हैं, अच्छा ड्रेस लाते हैं, तो 3-4 लोगों से बात करते हैं, फिर हम यूज करते हैं। तो आपने प्रोडक्ट यूज की और 3-4 फ्रेंड को आपने बात की, दूसरे महीने आपने भी 100 PV की खरीदारी की और अपने फ्रेंड को भी 100-100 PV की खरीदारी की, टोटल पॉइंट हुआ आपका 500 पॉइंट। तो कितना 500 भी कितना किस में आता है, कौन सी स्लिप में आता है सर? 5%। 500 भी 1 से 599 में भी आता है, तो आपको 5% के हिसाब से कैशबैक मिलना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन ये यहाँ पे एक्यूमिनेटिव प्लान है कि आपको अगले महीने का जो 5% के कैशबैक तो मिल गया है, तो 100 पॉइंट चले जाने चाहिए, लेकिन चले नहीं जाते हैं। यहाँ पे ये 100 पॉइंट है वो दूसरे महीने में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अब कितना हो गया सर? 600 PV हो गया। तो ये 600 PV अब कितना कैशबैक मिलेगा सर आपको? 8%। आपको जो 5% मिलने वाला था वो अब कितना मिल गया? 8% मिल गया। तो यहाँ पे ऐसे ही प्लस 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 होता है, तो आप 11% के पहुंचने में इजी है कि हार्ड है सर? इजी है। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि छोटी बड़ी प्रोडक्ट्स आप लेते हो तो 15% MRP पर डिस्काउंट ले लूं, तो 15% और 10% प्रोडक्ट फ्री मिल रही है। 15% और 10% कितना हुआ सर? 25 हुआ। 25 और 5 कितना हुआ? 30% फायदा आपको यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी पे आपको फायदा मिल रहा है। तो आप दुकान बदल सकते हो कि नहीं बदल बिल्कुल सकते? बिल्कुल बदल सकते हो। तो कंपनी दूसरा भी फायदा देती है, यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कंपनी दूसरा फायदा देती है 50% डिस्काउंट। तो आप एज अ कस्टमर कौन सा फायदा चूज करेंगे, 50% वाला कि 30% वाला? 50%। हम ज्यादा फायदा है उसी में हम हमारा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो 50% फायदा है उसमें कंपनी एक ऑफर चलाती है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी ऑफर। और कंसिस्टेंसी ऑफर 100 PV का होता है, और आप नए हो तो आप कोई भी डेट पे आप शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन एक बार शॉपिंग हो जाने के बाद दूसरे मंथ में आपको 2 से 12 तक ये ऑफर चालू होती है। तो आपको 2 से 12 तक आपको ये शॉपिंग करनी है। तो 100 PV मतलब अंदाज में मैंने बोला था कि 3,3200 का बिल होता है, तो मैं राउंड फिगर में बात करूं 3,000 की शॉपिंग, कंसिस्टेंसी मीन्स होता है कंटिन्यू, 3,000 की शॉपिंग आपने बाजार में अपनी शॉपिंग बंद की और 3,000 की शॉपिंग वेस्टिज में स्टार्ट की, तो यानी कि एक महीने का 3,000 कंटिन्यू 4 महीने तक ये ऑफर आपको लेनी है। कंटिन्यू दूसरे बाजार की शॉप को छोड़कर आपने वेस्टिज में खरीदारी कंटिन्यू 4 महीने तक की, तो आपकी खरीदारी टोटल कितनी हुई सर? 12,000। 3×4 12,000 की आपकी खरीदारी हुई। यानी कि आपको ये फायदा तो मिलता है, आप रजिस्टर कस्टमर हो 10 से लेके 20% MRP पर डिस्काउंट, तो ये जो है वो डिस्काउंट प्राइस से है। तो आपके बैग में जो भी सामान है वो 14,400 रुपीज का सामान होगा, मतलब आपको 14,400 का सामान अगर आपने दूसरी दुकान से लिया होता तो कितना देना पड़ता सर आपको? 14,400 पूरा देना पड़ता है, लेकिन आपको 20% डिस्काउंट मिलता है, इसलिए 14,400 का सामान आपको 12,000 में मिलता है। तो पहला ही फायदा आपको मिला सर, 14,400 में से 12,000 बाद करते हैं तो 2,400 रुपीज का आपको MRP पर डिस्काउंट मिलता है। दूसरा बेनिफिट साथों साथ मिल रहा है, 10% प्रोडक्ट फ्री मिलती है। तो 10% मैंने यहाँ 3,000 की बात की, तो 3,000 का 10% कितना होता है सर? 300 रुपीज। और 300 रुपीज आपको वहीं पे शॉप पे ही मिल जाते हैं प्रोडक्ट फ्री 300 रुपीज की। तो 300 आपको लगातार 4 महीने तक मिल रही है, 300 300 300 300 चार गुना करे तो टोटल कितना हुआ सर? 1,200 रुपीज। तो दूसरा बेनिफिट हमारा हुआ है 1,200 की प्रोडक्ट फ्री मिली। तीसरा मैंने बात की कि 5 से लेके 11% तक आपको कैशबैक दे रही है वेस्टिज। तो अभी आप नए हो तो आपका लेवल कितना होगा? 5% के हिसाब से। तो कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि आपने खरीदारी कितनी की है, 100 PV की, 100 PV की आपकी खरीदारी है, बिजनेस वॉल्यूम कितना है कंपनी का? 18 बिजनेस वॉल्यूम है, और आपको कैशबैक कितना मिलेगा? 5%। तो 5% के आपको कैशबैक मिलेगा, परसेंटेज निकाल देती हूँ तो 100 चले जाएंगे, और 18 5 जा कितना होगा? 19।
तो 19 आपको हर 10 तारीख को कैशबैक मिल जाता है, तो 19 रुपीज एक मंथ का, और चार महीने की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो टोटल कितना होगा 360 रुपीज। तो 360 रुपीज आपको मिलता है कैशबैक। अब मैं बात कर रही हूँ ये 50% कैसे सस्ता होता है। तो चार महीने तक आपने खरीदारी की सर, तो पांचवें महीने प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी सर? होगी। तो पांचवें महीने आपको कंपनी को एक भी रुपया नहीं देना है। पांचवें महीने कंपनी आपको 2500 की प्रोडक्ट, आपको जो भी चाहिए आपकी मन पसंद की प्रोडक्ट 2500 की कंपनी फ्री दे रही है। मैं दूसरी बार फायदे की बात कर रही हूँ, 2400 रुपये की MRP पर डिस्काउंट मिलता है, 1200 की प्रोडक्ट फ्री मिलती है, 360 का कैशबैक भी मिलता है, और 2500 की टोटल खरीदी आपके मनपसंद की फ्री मिलती है। तो यहाँ पे मैं सबका टोटल कर रही हूँ, 0, 6, 4, 2, 6, 3, 9 और 5, 14, 5, 6, 7 और 2, 3, 4, 5 और 6, 6460 रुपीस। तो यहाँ पे 6460 वापस मिल रहे। हमारी खरीदारी कितनी थी सर? 12,000 की खरीदारी पे हमें 6460 तो वापस मिल रहे हैं। मैं 6000 की भी बात करूं तो भी प्रोडक्ट्स हमें 50% सस्ता मिलता है, और वो भी कैसी प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ सर? मैं इंटरनेशनल क्वालिटी की बात कर रही हूँ। अगर आपको 50% फायदा मिल रहा है तो आप दुकान बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो सर? और वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रही हूँ कि हमारा जो भी साबुन है, मैं साबुन की बात कर रही हूँ, वेस्टिज का जो साबुन है, नीम तुलसी और फुदीना का बना हुआ नीम सोप, वो ग्रेड 1 का साबुन है और 36 TFM का साबुन है। मार्केट में आपको कोई भी साबुन ग्रेड 1 का और 36 TFM का नहीं मिलता है। और पैसे की मैं बात करूं तो वो उसका DP है ओनली 26 रुपीज, यानी कि 26 रुपीज का वो साबुन है। अगर आप उसको 50% यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर में लेते हो तो उस साबुन का आप 50% लेस कर सकते हो, यानी कि वो साबुन आपको सिर्फ 16 रुपीज या 17 रुपीज में मिलता है। तो आप दुकान बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो सर? अगर आपने दुकान बदली और आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपका भला हुआ सर, तो आप दूसरों का भला कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आप दूसरों का भला कर सकते हो तो कंपनी यहाँ पे आपको, कंपनी आपको 9 टाइप्स इनकम देती है। तो देखते हैं 9 टाइप्स इनकम क्या है। 9 टाइप्स इनकम, तो सबसे पहली इनकम दे रही है वेस्टिज, रिटेल प्रॉफिट, जो मिलती है 10 से लेके 20% तक। दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जो मिलता है 5 से लेके 11% तक। तीसरी इनकम कंपनी देती है डायरेक्टर बोनस, जो कंपनी के टोटल टर्नओवर में से 4% मिलता है। चौथी इनकम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कंपनी के टोटल टर्नओवर में से 14% मिलता है। पांचवी इनकम है हमारी ट्रैवल फंड, जो कंपनी के टोटल टर्नओवर में से 5% मिलता है। छठी इनकम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि LOB, जो कंपनी के टोटल टर्नओवर में से 60% मिलता है, और ये वेस्टिज की सबसे बड़ी इनकम है। सातवीं इनकम है कार फंड, जो कंपनी के टोटल टर्नओवर में से 5% के हिसाब से मिलती है। आठवीं इनकम है हाउस फंड, जो कंपनी के टोटल टर्नओवर में से 3% मिलती है। और हमारी लास्ट नौवीं इनकम है इलाइट क्लब बोनस, जो टोटल टर्नओवर में से 2% मिलती है।
तो ये 9 टाइप्स इनकम लेने के लिए आपको अपनी शॉप चेंज करनी है और अपना भला करना है और दूसरों का भला करना है। कर भला तो हो भला, ये यहाँ पे सक्सेस होता है। तो 9 टाइप इनकम आपको